watching DBN 7 News. अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रियासत तेलंगाना गुज़श्ता में 3-4 दिन से अजमेर से ज़्यादा तेलंगाना के बीच साहब के कहने पर हमारे डिप्टी सी एम महमूद अली साहब हमको मिल के टीम गए और वहाँ के हुकूमत के मिनिस्टर साहब और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वहाँ के मिनिस्टर से मुलाकात हुए बाद उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में हम गुज़श्ता तहरीर तेलंगाना डिप्टी चंद्रशेखर राव साहब ने बात किए थे, उस तरह हम उनकी बात को रखते हुए वहाँ पर आपने जो बुलाया गया है वो बुलाए बाद वहाँ पर 6-7 स्पॉट जगह थे, उसमें से 2 स्पॉट सिलेक्शन हो चुका है दरगाह से 4-5 किलोमीटर के दरमियान है। इंशाल्लाह रियासत चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब यहाँ की आवाम में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू और सब मिलते वो दरगाह हजरत ख्वाजा करीम नवाज के पास जाते हैं, रियासत तेलंगाना ही नहीं होते हिंदुस्तान की पूरी आवाम जहाँ से ख्वाजा करीम नवाज से उम्मीद रखते हैं, जहाँ पुराने दिन से अकीदा रखते हैं, उसी अकीदे से आज हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब रियासत तेलंगाना का एक गेस्टहाउस बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब आवाम जाना उनके जो भी मुरादे हैं ख्वाजा करीम नवाज के सबके से उनकी दुआएँ पहले ये रहेंगी कि अल्लाह जो रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने हिंदी हमारे मसाइल के लिए हमारे तेलंगाना के लिए तरक्की के लिए उसी तरह आज हमारे लिए गेस्टहाउस बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया गया है रियासत तेलंगाना, उन्होंने पहले उनके लिए हमने दुआ करी है, उसी तरह ही आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे 3 साल हुकूमत में आए बाद उसके बाद आज मैं बनास कॉर्पोरेशन होगा दिए बाद 1 साल में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आए बाद 25,000 बेरोजगार मुस्लिम जवानों को हम लोन से दी गई, उस तरह 80% दिया गया है, उस तरह 5-6 हज़ार चिल्लर हम मुस्लिम तकसीम किए गए हैं, वो मेरे माँ बहन जो चुनवई से आज अल्लाह के बंद अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 हज़ार कमा रहे और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी सी एम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कई हुकूमत ने उन्हें इतना पैसा दिया, उन्होंने उनके हाथ में दुआएँ करें, दूसरा कोई हुकूमत ऐसी जो कोई हुकूमतें थे वो 4,000 की मशीन देते 2 से 3 हज़ार वसूल किया जाता, ये हुकूमत ने 10,600 की मशीन देगी बगैर 1 रुपया, क्योंकि आज मेरे माँ बहन जो मशीन ले रहे हैं इतने खुश है, क्योंकि इसलिए वो गुज़श्ता मशीनों में महीने में 8 से 10 हज़ार दिया थे, महीने में ये 25 से 30 हज़ार दिया जा रहा है, उस तरह उन्होंने उनके बच्चों के साथ मुबारक की बात करें, उस तरह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा करीम नवाज के सदक़े में जो तेलंगाना का स्टोर बनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में फख्र कर रहे हैं, पहली मरतबा रियासत के चीफ मिनिस्टर कभी भी जो भी काम करते वो तारीख का पहला काम रहता, उस तरह ही आज अजमेर शरीफ में हैदराबाद जो गेस्ट हाउस बना के हिंदुस्तान की तारीख में एक कायम एक रिकॉर्ड रखेंगे, उस तरह ही चीफ मिनिस्टर साहब जो भी काम करते रियासत के हर 29 स्टेट के चीफ मिनिस्टर से दो पार्टी प्रेसिडेंट से दो KCR साहब की तरक्की पर देखते हैं, उस तरह ही लोगों ने अपने अपने ममालिक में अपने अपने स्टेट में इस तरह चीफ मिनिस्टर साहब आवाम के लिए जो जो स्कीम लाते हैं उस तरह ही उन लोग ला रहे हैं, उस तरह ही आज हम थर्ड फ्रंट जो चीफ मिनिस्टर साहब को ऐलान किया गया हिंदुस्तान के 29 स्टेट में पूरे पार्टी प्रेसिडेंट पूरे चीफ मिनिस्टर जो जो मोदी जो गवर्नमेंट चली फेल गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू करा है, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह उसकी तरह ही पूरे रिजर्वेशन के लिए भी दिल्ली में जंतर मंतर पे हम बराबर एक प्रोटेस्ट करेंगे, उस प्रोटेस्ट में कि मुस्लिम से बल्कि नहीं SC ST BC माइनॉरिटी सब पूरे हमें खड़े करेंगे, उस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना नंबर 1 है हिंदुस्तान में, नंबर 1 भी हमारे के चंद्रशेखर साहब एक वजीर आज़म बनेंगे, बल्कि मैं उम्मीद रखा इस गुजराने दिन के रस्ते के हजरत ख्वाजा करीम नवाज हजरत ख्वाजा करीम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह शरीफ के सबके से गुजराने दिन के सबके से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन नवाजा गया है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा हाफिज़। Thank you.
Audio Jungle.